हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पनीर परांठा विद ताज़ा पनीर बाय कंट्री डिलाइट। तो पहले पनीर को चार हिस्सों में काट लें, उसके बाद एक बाउल पानी में उसको थोड़ा टाइम गर्म करने के लिए रख दें ताकि पनीर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नहीं तो पनीर चिड़चिड़ा सा हो जाएगा। तो पनीर को थोड़ा सा टाइम गर्म कर लें, उसके बाद हम इसकी स्टफिंग तैयार करनी शुरू करेंगे। तो एक अनियन लेना है, एक प्याज को अच्छे से धो के काट लें, इसको ज़्यादा मोटे मत काटने, नहीं तो जब हम रोटी में पकाएंगे तो पकेंगे नहीं अच्छे से, तो इसको अच्छे से बारीक काट लेना। उसके बाद हम साथ में इसके हरी मिर्च और थोड़ा सा लाल मिर्च और नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा धनिया, ऐसे इसको बना लेंगे, इसकी स्टफिंग बन जाएगी। उसके बाद हम इसको एक पेड़ा लेंगे आटे का और उसको बेलना शुरू कर देंगे, उसमें हम स्टफिंग को डाल देंगे। उसके बाद इसको ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे हाथ से इसको अच्छे से बंद करके इसको हम रोटी के जैसे बेलना शुरू कर देंगे। इसको ज़्यादा भारी हाथों से नहीं करना है, इसको हल्के हाथों से इसको बेलें, जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपकी रोटी तैयार है। इसको अभी तवे पे डाल देंगे, तवा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए नहीं तो रोटी चिपक जाएगी। उसको टाइम टू टाइम अपना परताते रहें और साथ में थोड़ा सा घी लगा दें उसके ऊपर ताकि रोटी अच्छी क्रिस्पी और अच्छे से कुक हो जाए। ये परांठे का स्वाद घी से ही आता है, अगर आप घी नहीं लगाएंगे तो आपका परांठा अच्छा नहीं बनेगा, सूखा सूखा सा बनेगा। तो इसको अच्छे से बस जैसे रोटी जैसे हम नॉर्मल परांठे को करते हैं ऐसे इसको बना लें और आपका परांठा तैयार है गाइस। इसको आप अच्छे से आप बटर के साथ इसको खाएं या साथ में दही ले सकते हैं अगर आपको दही पसंद है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, तो होप आपको ये पसंद आएगा। अगली वीडियो के लिए आप अपने कमेंट्स बता सकते हैं कि कौन सी नेक्स्ट डिश के लिए आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू गाइस, सी यू सून।